Hello commandos, welcome to Biometers classes online. So today it's the sum of the questions from minor test number 6 rewind test series, jahan par hum log chapter liye hain gravitation, mechanical properties of solid and mechanical properties of fluids. So in teen chapter ko mila ke beta ye wala test hua hai rewind test series mein minor test number 6. Aur जहाँ पर देखो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से कहीं पर कहीं कहीं कुछ कुछ चैप्टर्स को यहाँ पर मिक्स किया गया. जैसे यहाँ पर हमने तीन चैप्टर्स को मिक्स किया है जिसमें से ग्रेविटेशन हाई वेटेज का चैप्टर है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड दोनों मिला के ग्रेविटेशन के बराबर भी वेटेज रख सकते हैं, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम रहती है यदि पिछले साल के पेपर्स को हम उठा के यहाँ पर देखें. तो अब आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो हो सकता है आपको भी आने वाले नीट 2025 के एग्जाम में देखने को मिलें. तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चंस में. सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर एसर्शन रीजन का यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है. और क्या है बेटा एसर्शन लिख के दिया है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मून इज इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द सन. एसर्शन में लिखा है एंगुलर स्पीड के बारे में चर्चा कर रहा है. एंगुलर स्पीड मतलब आपकी बात चल रही है ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है 2π/T. और ये कह रहा है कि ओमेगा ऑफ मून इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ अर्थ. तो भैया देखो पहली बात तो क्या ये सही है या गलत है, तो मुझे टाइम पीरियड से पता लगेगा. जैसे हमारे लिए जो हम बात करते हैं मून, मून जो है अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है लगभग 27-28 दिन में लगाता है. मान लो राउंड फिगर के लिए आप 30 ले लो, तो टी ऑफ मून कितना हो गया, वैसे तो अप्रोक्सीमेटली 27 या 28 दिन होता है ना. और यही यदि मैं अर्थ की बात करूं तो कितना होता है 365 डेज होता है. अब चूंकि टी ज्यादा है अर्थ का, चूंकि टी अर्थ का ज्यादा है इसलिए मून का ओमेगा क्या होगा ज्यादा. तो ये वाला पॉइंट सही है और इसका रीजन यहां से हमें मिल रहा है. बात सही है. अब रीजन पढ़ते हैं, द मून टेक्स लेस टाइम टू मूव अराउंड अर्थ देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव अराउंड द सन. ये कह रहा है कि भैया चंद्रमा को धरती के चारों तरफ घूमने में कम समय लगता है जबकि धरती को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगता है. क्या ये बात सही है? बिल्कुल यही तो हमने बोला अभी. और क्या ये फिर देखो यहां से मुझे पता लग गया कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और प्राथमिक दृष्टया देखने पर जो रीजन है वो एसर्शन में डायरेक्ट गिवन है. मतलब आपका आंसर क्या आएगा, एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. ठीक है. अब यहां पर देखो ऑप्शन नंबर ए दिया एसर्शन करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, तो ये तो गलत हो गया. एज बोथ एसर्शन रीजन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. सो ऑप्शन नंबर बी में इस बार आपको लिख के दिया है ये वाला पॉइंट. दिमाग में ये फिक्स नहीं होना चाहिए कि हमेशा ऑप्शन नंबर ए में ही मिलेगा, कहीं पर भी ये मिल सकता है, जो कि मैंने यहां पर इस बार आपको टेस्ट में दिखाया कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना. पिछले टेस्ट में कई बार बच्चों के मन में आता है कि क्या हमेशा ये ऑप्शन नंबर ए में आएगा. पहले आया करता था, लेकिन नाउअडेज दे हैव चेंज द ऑप्शंस पैटर्न आल्सो. खैर आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल देखिए यहां पर आपके सामने आ रहा है. सवाल क्या है, रीड करो क्वेश्चन को और आगे बढ़ो. द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ये तो हमें वैसे भी पता है लेकिन फिर भी उन्होंने दे रखी है. इफ द सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी दिस, द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो भैया देखो इंटरस्टेलर स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस में जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है वी डैश बराबर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. बोलो बात सही है क्या? ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आपका काम हो गया. अब यहां पर देखो वी कितना दे रखा है 22.4, वी की वैल्यू है 22.4 और एस्केप वेलोसिटी है 11.2. तो देखो ये जो है ना वी बराबर है 2 times v. बोलो बात सही है क्या? अरे बोलो बात सही है क्या? यस. अब देखो यदि मैं यहां पर इस वैल्यू को पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2ve का स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर. तो v डैश बराबर कितना आएगा, ये आएगा 4ve का स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर. मैं ऐसे ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस तरह से सॉल्व करना आसान रहेगा, अदरवाइज मुझे 22.4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 11.2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड. अब यदि मैं इस पैटर्न से जाता हूं तो देखो मुझे काफी हद तक आसानी हो गई. 4 में से 1 गए 3, रूट लेंगे तो यह आएगा √3 times ve. √3 times v मतलब आंसर आ गया 11.2 into √3 किलोमीटर पर सेकेंड.
और ये मुझे ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, और मैंने अपना आंसर यहां पर लगा दिया है। क्या बड़े ही आराम से मैं इस क्वेश्चन को कर पाया? बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन कहां पे है। देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिखा रहा है, और ये क्वेश्चन किसका है बेटा? मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम के भी क्वेश्चन। देखो एसर्शन रीजन, मल्टी स्टेटमेंट, मैच दी कॉलम, सब तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। कितने मिलेंगे कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक मेरा अंदाज है जो मैं अनुमानित रूप से बता रहा हूं कि फिजिक्स में दो तक एसर्शन रीजन जाएंगे और दो मैच दी कॉलम तक जाएंगे, और दो मल्टी स्टेटमेंट जाने की संभावना है। मतलब छह क्वेश्चन कुछ ऐसे रहने की संभावना है पूरे पेपर में, और हो सकता है भैया उनका मन बदल गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आपके लिए है। यहां पर देखिए सवाल क्या है, कॉलम ए में दिया ऑर्बिटल वेलोसिटी, कॉलम बी में दिया है इसकी रिगार्डिंग वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, एस्केप वेलोसिटी, और ये। तो भैया देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट ऑफ 2gr, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट gr। तो चलो मैच करने की कोशिश करते हैं इन दो पॉइंट्स को। तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहां दे रखी है? ए का 2 देख रखा है और सी का 1। तो देखो सी का 1 दो ऑप्शन में है, मतलब ये कट गया और ये कट गया, और ए का टू ये दोनों ही जगह दे रखा है। अच्छा भैया, हाय, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन लेक्चर, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म यू, यू शुड डाउनलोड बायोमेंटर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. अब आगे देखो, आगे अब आपको और ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ एच। यहां ध्यान रखना ये डेप्थ एच और ये हाइट एच है। तो अब यदि मैं फॉर्मूले को देखूं तो जी एच बराबर होता है जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो एक स्मॉल हाइट का फॉर्मूला होता है जी वन माइनस टू एच अपॉन आर। क्या ये दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है क्या? देखो हाइट h का, तो b का बेटा कहां आ रहा है? 4 में, तो b 4 होना चाहिए, तो b 4 मुझे यहां मैच कर रहा है। मतलब आंसर इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो देखो मैच दी कॉलम में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है, सिंपल चीजें ही रहने वाली हैं। बस आपको थोड़ा सा रिकॉलिंग पावर चाहिए। एक तरह से मैच दी कॉलम कुछ नहीं होता, चार क्वेश्चन होते हैं। मैच दी कॉलम और कुछ नहीं, चार क्वेश्चन होते हैं। खैर चलो आगे बढ़ता हूं मैं आपके सामने। एक और सवाल यहां पर आ रहा है, इस सवाल को जरा देखिए और बताइए भैया कि क्या आंसर यहां पर आने वाला है। इफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 2.5 atm, देन व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम इफ इट्स कॉम्प्रेसिबिलिटी इज दिस। देखो पहले जो मैंने 3 सवाल आपको बताए वो तीनों की तीनों सवाल थे कहां से? ग्रेविटेशन चैप्टर से। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कौन से चैप्टर का? लिक्विड की बात चल रही है, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यहां से आपके सामने ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया कहां से? अब देखो यहां पे चीजें जो डेटा दे रखा है उसी से मुझे देखना है, और पूछा क्या है ये पता करना है। आपको वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, है ना, और बोला है प्रेशर, प्रेशर दे रखा है आपको। प्रेशर कितना दे रखा है बेटा? 2.5 atm दे रखा है। Then what will be the fractional change in volume? मतलब डेल्टा वी अपॉन वी आपसे पूछा गया है, और कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब सी आपको दे रखी है 8 × 10⁻¹। बराबर है। अब आप मुझे बताओ कि क्या होता है फॉर्मूला और किस तरह से मैं लिंक कर सकता हूं डेल्टा वी बाई वी को। तो देखो हमारे पास में बल्क मॉड्यूलस नाम की एक चीज होती है, और बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है बेटा बी बराबर माइनस P बाई डेल्टा V बाई वी, है ना। माइनस साइन है, मैं इसको माइनस को हटा देता हूं क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम करूंगा। लेकिन सर जी यहां पर तो C दे रखा है, B तो दे ही नहीं रखा, तो यहां से यदि मैं देखूं तो डेल्टा V बाई वी मुझसे पूछा है, तो ये P बाई वी हो जाएगा क्या? अरे बोलो बात सही है, पर बल्क मॉड्यूलस तो दिया ही नहीं है। तो याद करो बेटा, यदि आपको याद है तो भैया कॉम्प्रेसिबिलिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी में क्या रेशियो है बल्क मॉड्यूलस और इसमें? ये इनवर्सली होते हैं एक दूसरे के। मतलब मेरे पास में डेल्टा V बाई वी बराबर आ गया P इंटू सी, P इंटू सी मेरे पास में यहां पर आंसर आ रहा है। तो मैं क्या करूं? प्रेशर,
और इसका मल्टीप्लाई, तो प्रेशर है 2.5, अब ये है एटीएम में तो इसे कन्वर्ट करूंगा तो 2. सीधा 10^5 से मल्टीप्लाई। सर पर वो तो 1.01 × 10^5 होता है ना, ठीक है ना बेटा, अप्रोक्सीमेशन के लिए कर सकते हैं। और साथ में क्या है बेटा, 8 × 10^-8, बोलो सही है क्या। जीरोस को जरा एडजस्ट करते हैं बेटा यहां पर, तो क्या हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये -3 हो जाएगा, 25 से 8 करोगे, 25 × 8 = 200, तो ये आएगा 20 × 10^-3। जब इससे जीरो को यहां पर लाएंगे तो ये आएगा 0.02, तो 0.02 मतलब आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फॉर द दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखिए, यहां पर ग्राफ मिसिंग हो गया है। चलो ठीक है, ग्राफ में आपको बना देता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ग्राफ है क्या चीज, आपके लिए बोला गया है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। क्या होता है ना, कई बार बोर्ड पे जब ये चीजें आती है ना, तो कभी कभी एक आधा इमेज इधर उधर हो जाती है, और यहां पर ऐसे दो मटेरियल बना के दिए हैं, ए और बी, है ना, ए और बी, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये वाला एंगल 60° है और ये वाला एंगल 30° है, ये आपका डेटा यहां पर रहने वाला है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के क्रम में। यदि आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को पेपर में देखोगे, जिन बच्चों ने रिवाइंड टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनके पेपर में ये सवाल का डायग्राम कुछ इसी प्रकार से दिखा होगा। अब सवाल में क्या पूछा है भैया, वाई ए और वाई बी क्या है, यंग्स मॉडुलस, और वो आपको बताने हैं। तो यंग्स मॉडुलस कैसे लिखते हैं, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अरे बोलो बात सही है क्या, पर सर यहां स्ट्रेस और स्ट्रेन की तो कोई वैल्यू दिख ही नहीं रही है, तो बेटा हम यहां पर कहते हैं कि यहां पर क्या लेंगे, इसका स्लोप, क्या लेंगे, स्लोप, मतलब वाई ए बराबर आएगा टेन 60, और टेन 60 कितना आएगा, √3, और वाई बी बराबर क्या आएगा, टेन 30, क्योंकि इसने देखो 30° का एंगल बनाया, वाई अपॉन एक्स, तो स्ट्रेस इधर स्ट्रेन इधर प्रॉपर है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे v बराबर होता है d/t, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के स्लोप से हम क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी, बिल्कुल उसी अंदाज में आपको यहां पर सॉल्व करना है, तो ये आएगा 1/√3। अब मुझे चाहिए बेटा इन दोनों में रिलेशन, अब देखो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, वाई बी बराबर 2ya, वाई ए बराबर वाई बी बराबर 3ya, और वाई ए बराबर 3yb, तो गलती हो सकती है, तो मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, तो वाई ए अपॉन वाई बी कितना आएगा, √3, होल डिवाइड से करोगे तो ये आएगा 3, तो वाई ए बराबर आ गया 3yb। ये सवाल आ गया आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इस चैप्टर से, आसान सवाल है, तो वाई ए बराबर 3yb मतलब ऑप्शन नंबर 4 कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं, वेरी गुड। चलो यहां पर एक सवाल दिया गया है, इस सवाल को रीड करो और बताओ कि क्या आंसर होने वाला है। स्टेटमेंट 1, अ बबल कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द टॉप, ये कह रहा है कि यदि कोई झील है उसमें कोई नीचे बुलबुला बन जाए, झील में नीचे क्या बन जाए, कोई बुलबुला यदि बन जाए तो वो नीचे से ऊपर आता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, या ऐसा तो नहीं होता कि बुलबुला ऊपर से नीचे जाए, यही तो सवाल है। तो भैया देखो, जैसे आपने कभी घर में फिश टैंक वगैरह किसी के में होगा तो आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो भैया ये सवाल से को देखने के बाद आप घर में जाके फिश टैंक को जरूर जरूर देखना, तो उसमें होता क्या है पता है, उसमें एक ऑक्सीजन वाली एक मशीन लगी होती है जिससे क्या है ना, उसमें बुलबुले फॉर्म होते हैं ना, एक्चुअली वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो रुका हुआ पानी है उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो उसमें हम फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो होता क्या है, नीचे बुलबुले बनते हैं, उस मशीन को नीचे ऐसे डाला जाता है, बुलबुले नीचे बनते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि नीचे से ऊपर आते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, व्हाइल कमिंग अप इट्स रेडियस डिक्रीजेस, व्हाइल कमिंग अप इट्स रेडियस डिक्रीजेस, क्या ये पॉइंट सही है क्या, ये गलत है। यदि आपने देखा होगा, देखो लॉजिक ढूंढने की कोशिश जरूर करना, लॉजिक ढूंढने की कोशिश जरूर करना, जब नीचे से ऐसे ऊपर आता है तो जो रेडियस है वो बढ़ती चली जाती है, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, और इसका ऑप्शन आंसर छुपा हुआ है पीवी बराबर एनआरटी, इस इक्वेशन में से कुछ चीजों को देखना कि क्या हो रहा है। नहीं समझ में आया, फिर से बता देता हूं, देखो क्या होता है, P into V बराबर रहता है कांस्टेंट, ठीक है, अब जब नीचे से ऊपर आते हैं
नीचे से ऊपर आते हैं तो प्रेशर होता है डिक्रीज, सो इट इंप्लाइज वॉल्यूम होता है इंक्रीज, इट इंप्लाइज रेडियस होती है इंक्रीज। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है यहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन इज बेस्ड ऑन, ये सवाल का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका आंसर क्या है? तो भैया आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है सबमरीन्स। सबमरीन जो होती है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। नाउअडेज वो एग्जामिनर आपको पेपर में उठा के देखिए, पिछले पेपर 24 का, 23 का, 22 का, सब पेपर उठा के देखिए, एक ना एक सवाल ऐसा जरूर है जहां पर वो कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई प्रिंसिपल पर बेस्ड सवाल पूछ रहे हैं कि भैया फलानी चीज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, फलाना एप्लीकेशन या फलाना कॉन्सेप्ट या कोई चीज जो है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई फिनोमिना है, वो फिनोमिना किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एक सवाल पेपर में ऐसा बन रहा है पिछले 2-3 सालों से लगातार, और आगे भी वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि सारे चैप्टर्स में कुछ कुछ छोटे छोटे जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड क्या फिनोमिना है या क्या एप्लीकेशन है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके क्या एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है, उसको एक बार नजर जरूर मारें बेटा। बिल्कुल भी कोताही ना बरतें कि वो हमें आ जाएगा, नहीं होता है। कई बार है ना कंफ्यूजन हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे इसका फिनोमिना का कारण क्या है, डायमंड चमक रहा है तो क्यों चमक रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे, हमें एक स्विमिंग पूल है वो कम गहरा दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है, कम गहरा होने के पीछे क्या रीजन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, क्या है कि नहीं। खैर आगे आ जाओ, अगला सवाल देखो, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर बेस्ड सवाल हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर बेस्ड ये सवाल बन गया बेटा। अब देखो यहां पर इस चैप्टर में जो रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी इसमें लिखी हुई है, सारी तो नहीं, चार लिखी हुई है, इनको आपको मैच करना है। अब देखो, अब आप यदि यहां पर ध्यान से देखो तो अब आपको देखो क्या होता है ना, ऑप्शंस को ढंग से देखना होता है। ठीक है, ऑप्शंस आपकी मदद करते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर देखो ए ऑप्शन को देखूं या बी ऑप्शन को देखूं तो दोनों से मेरा काम हो जाएगा। जैसे ऑप्शन ए है तो ए की मैचिंग कर लूं तो काम हो जाएगा या बी की कर लूं। तो सरफेस टेंशन क्या होती है बेटा, सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब आएगा m1 l1 t minus 2 अपॉन l1, तो m1 l0 t minus 2। ठीक है, तो a का क्या होना चाहिए बेटा, m1 l0 t minus 2, तो a का आपको मिलना चाहिए a3 है ना। चलो एक से काफी हद तक मदद मिल गई मेरे को। दूसरा देखते हैं प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आएगा m1 l1 t minus 2 अपॉन l2, तो ये आएगा m1 l minus 1 t minus 2 कैलकुलेशन पर। तो बताओ कितना आ रहा है, m1 l minus 1 t minus 2, m1 l minus 1 t minus 2 1 में है, मतलब b का आना चाहिए 1। तो देखो b का 1 और a का 3 कहां मैच कर गया आपको, b का 1 मतलब ये गलत, ये गलत, और a का 3 मतलब ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब बार बार ऑप्शन नंबर 3 आ रहे हो, क्योंकि दीज आर द रेंडमली सेलेक्टेड। मुझे लगता है इसके पिछले, नहीं पिछले वाले में ए था, इसमें 3 था, अच्छा इसमें 4 था, नहीं फिर तो अलग अलग आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर पर बेस सवाल था, सिंपल डायमेंशंस का सवाल, डायमेंशन का कहीं से भी पूछा जा सकता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायरेक्शन, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख के जाना। अभी तो मैंने सिर्फ मैचिंग कराई है, अभी राइट नाउ मोमेंट पे मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझा रहा हूं और क्वेश्चन से ऑप्शंस को कैसे निकाला जाता है वो यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला देखिए बेटा क्या हो रहा है, अगला सवाल देखिए, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर If 4 particles of unit mass place at the vertices of a square of side 1 meter, सर ये potential का सवाल तो हमें electrostatic potential and capacitance में होना चाहिए क्या? नहीं, gravitational potential नाम की भी एक चीज exist करती है जो gravitation chapter में होती है। यहां पर क्या बोल रहा है, देखो ऐसे आपके पास में एक square है, क्या है बेटा square है, इसके corners पर, square के corner पर 4 पार्टिकल रखे हैं जिनका मास क्या है, यूनिट मास है, मतलब 1 kg में मान लू, मैंने बोला हां 1 kg 1 kg 1 kg और 1 kg। आपको क्या करना है, इनके सेंटर पर, इसके सेंटर पर निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो बेटा मैं किसी भी एक से ये वाली डिस्टेंस निकाल लू और 4 से मल्टीप्लाई कर दू, काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जो वी नेट होगा
वो होगा 4 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू वन पार्टिकल, ये आएगा 4 इंटू जी एम अपॉन आर। बोलो सही है। अब आर कितना आएगा, तो ये आर बराबर आएगा, ध्यान से देखना, यदि इसकी साइड ए है, इसकी साइड लेंथ ए है, तो आर विल बी इक्वल टू रूट टू ए का आधा। सर ये रूट टू ए कहां से आया, तो ये ए और ये ए, तो ये जो डायगोनल बनेगा वो पूरा कितने का बनेगा, रूट टू ए का, और उसका आधा मतलब ए बाई रूट टू। तो बेसिक ज्योमेट्री है, क्या है, बेसिक ज्योमेट्री। चलो तो हम यहां पर वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। 4 जी की वैल्यू हमने लिखी 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 11 जी, एम है 1 और आर आर आर। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye-bye. Continue your lecture. R मतलब A by root 2 मतलब 1 by root 2, तो into root 2 बेटा यहां आएगा। ठीक है, तो रूट टू करोगे तो 4 इंटू 1.4, 4 इंटू 1.4 करने पर कितना, 4 56, 5.6, ये आएगा 5.6 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। अब आपको करना है मल्टीप्लाई, तो भैया देखो 5.6 इंटू 6.6 यदि मैं करता हूं, 6 छंग 36, 3 6 5 30, 31 32 33, और 6 छंग 36, अरे ये सेम ही तो आएगा, 6 9 6 3, 36.96, 36.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, जो कि मैच करेगा हमारे इस वाले ऑप्शन से, 36.6 इंटू 96 वाले ऑप्शन से। ठीक है, देखो सर इसमें नन ऑफ द अबव भी दिया हुआ है, देखो इतना नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करने पर हमारा आंसर बिगड़ता है, हमें अप्रोक्सीमेटली काम करना होता है, अप्रोक्सीमेटली ही हम यहां पर आंसर लिखने वाले हैं। एक सवाल और बचता है बेटा, 10वां सवाल देखो क्या है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 30 मीटर इन वॉटर। ये सवाल है बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग का। देखो डिफरेंस पूछा है एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर, तो भैया एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो 1 atm होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो अगेन आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सीधा सीधा है, ये सवाल में कुछ था ही नहीं, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि रो जी एच पी नॉट प्लस का रो जी एच करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे, भाई नहीं करने की जरूरत है, 1 atm सीधा आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन, और हमने इस टेस्ट पेपर के जो रिवाइंड टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन के एप्लीकेशन पर जो चल रहा है, उसमें से मैंने रिवाइंड टेस्ट माइनर टेस्ट नंबर 6 था ये, जो कि बेस्ड था ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इन 3 चैप्टर पर। सो जो लोग अपने नीट 2025 के स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, अभी भी आपके पास में काफ़ी अच्छा शानदार मौका है, आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखो अभी तो ये माइनर चल रहे हैं, माइनर में क्या हो रहा है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसे, 2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसा टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, और चूंकि अभी तक यही पता है सबको कि नए पैटर्न पर पेपर होगा, जैसे ही यदि कोई नोटिफिकेशन आता है कि पेपर ओल्ड पैटर्न पे होगा, तो हम पेपर के पैटर्न को उसी अनुसार चेंज करेंगे। फिर उसके अलावा आपको मिलने वाले हैं हर महीने के एंड में एक मेजर टेस्ट, और जब पूरे माइनर खत्म हो जाएंगे, 15 माइनर टेस्ट जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में 4 मेजर टेस्ट भी आपको लाइनअप किए गए हैं। तो ग्रैब द बेनिफिट ऑफ दीज टेस्ट, दिस टेस्ट सीरीज फ्रॉम द बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन के यू ऐप से। ठीक है, चलो सो मिलते हैं बेटा हम अपने अगले सेशन में, जहां पर हम लोग अब बात करने वाले हैं अगले बात करेंगे अगले रिवाइंड टेस्ट में, रिवाइंड टेस्ट माइनर टेस्ट नंबर 7 में। ठीक है, चलो सो थैंक यू सो मच। आपको टेस्ट से ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए,
बायोमेंटर्स का रिवाइंड टेस्ट से ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे। और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको यह अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।